उम्र के इस पड़ाव में भी जिनका जज्बा कर देता है अच्छे अच्छों के हौसले पस्त, जो है 105 साल की उम्र में भी एकदम मस्त। नाम है रामबाई। मेरा नाम शर्मिला सांगवान है और ये मेरी नानी जी हैं। रामबाई 105 वर्षीय हैं और ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी नानी जी रामबाई की स्टोरी है। एज है वो ओनली मात्र एक नंबर बन के रह जाती है। एज इसमें कहीं पर भी कोई मैटर नहीं करती है। और इसमें जो सीनियर पर्सन है सर, इनकी काफ़ी एज भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर जा करके अपने आप को, उनके अंदर एक बचपन आ जाता है। उनको लगता ही नहीं कि हम इतनी एज में हैं। हम बोल रहे थे कि नानी थोड़ा धीरे 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 दौड़ो, तो आप तो उड़ ही रहे थे। उड़ी रही थी। दौड़ने की तो कोई उम्र नहीं, जोर होना चाहिए। आदि 105 साल? जी सर। माय गॉड। राम भाई जी, सबसे पहले तो आशीर्वाद दीजिए। आपको पता नहीं कि आप अपने से कितने छोटे छोटे उम्र के बच्चे बच्चियों को इंस्पायर कर रही हैं, इंक्लूडिंग हमारी साइशा। 104 साल की उम्र में मैम ने एथलेटिक्स करने का सोचा। मैम, इस सोच के लिए एक बार आपके लिए तालियां हो जाए। चार जनरेशन हैं आपकी फैमिली में? ये नानी जी मेरी, मेरी माँ, बेटी और बाद दूती मेरी। बेटी, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, पर नानी है आप। माय गॉड, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। नानी जी हाय। नानी जी प्रणाम। आप लोग खाते क्या हो? घी चूरी मुँह खाली दूध दही। अच्छा, दूध। अच्छा, लेकिन बाजरा, बाजरा आप रोज खाती हैं? यो खास है रोज। ये कौन सा बाजरा उग रहा है वहां पे, हमारे घर भी भेज दीजिए थोड़ा सा। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? अच्छा मैम, गाती भी? अरे प्लीज मैम, फिर तो हम दो लाइन सुनना चाहते हैं। प्लीज प्लीज। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम, अभी मैं आपसे एक पते की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैम, राज क्या है? 105 साल, रूटीन क्या है? तो मैं भी उस हिसाब से अपना रूटीन बना लूंगा मैम। आदित्य सर, नानी सुबह जल्दी उठती हैं, कच्चे खेत होते हैं जी, कच्ची मिट्टी के, मिट्टी के खेत होते हैं, उसमें 3-4 किलोमीटर तक दौड़ती हैं। दौड़ती हैं। उसके बाद में जैसे मामी जी दूध वगैरह निकाल कर रख देती बाल्टी, उसमें से उनको जितना पीना होता है तो बोल देती है कि अपना गर्म करके पी लेती सुबह सुबह, आधा किलो या 3 पाव। क्या दूध? दूध कच्चा, मतलब बगैर पानी का। वाओ। उसके बाद में वही अपना मतलब सारा एक्टिव रहती है, इतने सब जैसे कभी अपने कपड़े ही खुद धोती है। ओह माय गॉड, तो बेसिकली मैम अपने सारे काम आज भी खुद ही करती है, किसी पर डिपेंड नहीं है। आदित्य, आई थिंक इनके स्टोरी से एक चीज साफ है कि एज इज नो बार। एब्सोल्युटली। इन एट 104, मतलब एक साल पहले उन्होंने शुरू किया है रनिंग, इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। इन फैक्ट अगर मुझे पता होता बाजरा खाने से ये इतने स्ट्रांग हो सकते हैं, मैं तापसी से कह रही थी मैं पहले से ही शुरू कर लेती और 20 साल खेल लेती।
मन बुड्ढा हो गया, मन बुड्ढा नहीं होता। क्या बात है। देख के मुझे अब अपने घर जाके अपनी मम्मी को बोलना है कि अब आपको एक्सक्यूज नहीं दोगे बिल्कुल कोई भी चीज करने के लिए कि भाग रही है मतलब, और मैं खड़ी हो जाऊँ 105 की उम्र में जिंदा रह जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है यार। अब आ रही है वो जो तोड़ रही है अंडर कॉन्फिडेंस का हर दायरा, महाजन समायरा। और इनके साथ आ रहा है वो जो कौवे की काव काव पर भी माइकल का मून वॉक करके पाता है आनंद परमानंद, प्रत्युष आनंद। ये अपने बच्चे लग रहे हैं। हर्ष भैया और भारती दी। हाँ जी। मैं एक्चुअली ना आज आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे गुड न्यूज। जब से प्रत्युष को समझा है कि शिल्पा मैम हमारे शो पे आ रही है तब से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत जोरदार तैयारियों में लगा हुआ है। दुनिया का सबसे अलग केक है, ऐसा केक ना ही कभी किसी ने खाया है ना देखा है ना कभी ऐसा केक के बारे में सुना है। अब इसकी बची है फाइनल गार्निशिंग और वो फाइनल गार्निशिंग है मिर्ची। शेफ प्रत्युष की ऐसी कोई डिश नहीं है जो लोग पसंद नहीं करते, और ये वाली जो डिश है वो शिल्पा शेट्टी मैम को बहुत ज्यादा पसंद आने है। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ माँ ने ही किया है, बाबूजी कम नहीं है, हमने जो मांगा उन्होंने ला कर दिया है। अब ये बाबूजी की गलती थोड़ी है कि उनके सीने में दिल धड़कता है और माँ के सीने में आकाश। बाबूजी प्यार करना जानते हैं और माँ जान देना जानती है। बाबूजी मेरी खातिर दुनिया खरीद सकते हैं और माँ खरीदना छोड़ो, वो मेरे लिए अपने खून का एक एक कतरा बेच सकती है। बाबूजी मेरे लिए भगवान के पैरों में गिर जाते हैं, माँ थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, वो मेरे लिए भगवान से लड़ जाती है। बाबूजी को दोष मत दो, अपने बस में होता तो जमीन के तमाम जर्रे आसमां बन चुके होते, माँ बनना इतना आसान होता तो बाबूजी माँ बन चुके होते। सिखाया था ना दहलीज़ में ऊंची है ये पार करना।
चढ़ के मैंने चलना सिखाया था ना, दहलीज कैसे मैं पार करा दूं। बिल्लू तू मेरी मलिका, टुकड़ा हमारे दिल का, दहलीज कैसे मैं ये पार करा दूं। मम्मी के लिए हाथ टूटने तक तालियां, और मम्मी ने दुनिया हिला दी, दुनिया हिला दी। मम्मी आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज सच में विश्वजा की वजह से मैं इतने बड़े बड़े मतलब आपके सामने गाने की तो औकात ही नहीं सर मेरी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या सर आज उसकी वजह से मैं आपके सामने गा पाई और निकल गया वो पता नहीं। अरे क्या बात, क्या बात। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।